अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अवैध रूप से सड़कों को घेर कर बैठे लोगों पर मंगलवार को निगम की आक्रामक कार्रवाई देखने को मिली है। मंडी बाईपास से शुरू हुई कार्रवाई दोपहर के वक्त भारी पुलिस फोर्स के साथ मंगल पड़ाव सब्जी मंडी पहुंची। सड़क पर अतिक्रमण किए हुए लोगों के ठेलों और फड़ों पर जमकर निगम का बुलडोजर चला है। इस दौरान कई लोगों और पुलिस और नगर निगम की नोकझोंक भी हुई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि अभी भी मुख्य सड़कों पर अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि मुख्य बाजार का भी निरीक्षण किया जाएगा, अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी हम हमारे मुख्य मार्गों पर हमारा फोकस होगा। सब्जी मंडी का हटाने के दौरान आपने देखा होगा कि वो कितना बड़ा बीमारी का अड्डा बना हुआ है, पूरे सड़क को कब्जा कर रखा है। ठेले पर जिनका व्यवसाय करने का अधिकार है उन्होंने खोखे बना करके चार चार पांच पांच दुकानों के बराबर में पूरा कब्जा कर रखा है। टीन सेट बना रखे हैं, पॉलिथीन को ढक रखा है, अर्थात पूरे उस एरिया को खराब कर दिया है। ठेले पर व्यवसाय करने की अनुमति है, ठेले पर व्यवसाय करने अनुमति दी जाएगी। अभी नैनीताल रोड के पूरे अतिक्रमण हटाने के बाद अन्य मार्गों का प्लान बनाते हुए पुलिस विभाग और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ डिस्कशन करके उसको तय किया जाएगा, मुनादी कराई जाएगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, और इसमें पहले बैठक करके अपील पूरे शहरवासियों से की गई थी कि जिनका भी अतिक्रमण है रोड पर चलने के लिए स्थान छोड़ दें। प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं के और बच्चों के चलने के लिए जगह नहीं बची हुई है। उसी क्रम में ये अभियान लगातार पूरे क्षेत्र में भी बरेली से नैनीताल रोड पर चलाया जा रहा है, और आपके माध्यम से भी लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि चलने का स्थान छोड़ दें। जब चलने का स्थान होगा कम से कम तभी व्यक्ति मार्केट में सुरक्षित रूप से व्यक्ति आ सकेगा। ना कोई महिला निकल पाती है, ना कोई बच्चे निकल पाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो निश्चित ही आज फिर मैं आप लोग के माध्यम से ही अपील कर रही हूँ कि कृपया हमें अपना सहयोग प्रदान करें, और जो भी ये अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि लोगों को सुविधा हो और लोग सुरक्षित रूप से सड़कों पर चल सकें। उत्तरांचल फड़ ठेले व्यवसायी प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो नियमावली के विरुद्ध है। उनका कहना है कि 25 मई 2016 की नियमावली ये कहती है कि किसी को हटाने से पहले उसको वक्त दिया जाए। हालांकि अतिक्रमण की कार्रवाई पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। गरीब आदमियों को जो सामान लूटा जा रहा है, उनके ठेले उठाए जा रहे हैं, ये नियमावली के विरुद्ध है। नियमावली ये नहीं कहती उत्तराखंड सरकार की 25 मई 2016 कि किसी का भी व्यवस्थापन से पूर्व उजारीकरण किया जाए, और इनको आप नियमावली अनुसार भी 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है, वो भी नगर फ्री समिति टाउन मेंटेनिंग कमेटी के माध्यम से। ना टाउन मेंटेनिंग कमेटी की बैठक बिठाई गई, ना किसी तरह की कोई बात हुई। हाईवे के लिए बात हुई थी चौड़ीकरण के लिए, लेकिन बाजारों में घुसकर हमारे ठेले फड़ वालों का सामान भी बर्बाद कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं। ये लूट के हम बहुत खिलाफ हैं, हम इस तरह का व्यवहार नहीं होने दें।